देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। कहाँ है हीरे, कहाँ है मोती, कहाँ है सोना, जगह जगह प्रदूषण फैले, धरती कहे बचाओ मुझे। सृष्टि कहे पास कर, पृथ्वी अग्नि जलवायु और आकार ये सब तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। पेड़ नहीं, पौधे नहीं, जलवायु प्रदूषित था, मोटर गाड़ी का धुआं था, एसी के घटक अपनाए रहा, तो आओ मैं ले चलो तुम्हें एक भविष्य की ओर। ये क्या हो रहा है, आसमान जहर उमड़ रहा है, अमरीकी वर्षा हो रही है। हाँ हाँ, ये शहरी सुंदरता खत्म होती जा रही है, इतनी तेज गर्मी, मेरा शरीर गल रहा है और चमड़ी फटने लगी है। अरे ये पागल है क्या, हर जगह पेड़ लगा रहा है। जमीन देख लिया है, जितना पेड़ कटवाना पड़े कटवा लो। मैंने पहले की बात और जले किसको मेरे पास आ रहे हो, घेर करवा दो, उठा दो, घर से फेंक दो, फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग करना चाहिए वहाँ पे बस। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आओ मैं तुम्हें कहीं पर। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? कहो पापा, इतना खूबसूरत घर है, क्या हमारा घर है? अच्छा है, बहुत अच्छा है पापा। आज के बाद मेरी तरफ की राजकुमारी की तरफ। थैंक यू सो मच पापा। अच्छा बैठ, कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। ये क्या कर रहे हो, चारों तरफ कचरा फैला रहे हो, रस्ते गंदे कर रहे हो। मुझे ये क्या हो रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हेलो पापा, जल्दी आओ पापा। हेलो, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? हेलो डॉक्टर, 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 अब प्लीज मेरे घर आइए जल्दी। इसकी हालत तो बहुत खराब है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, आप ऐसा कीजिए ऑक्सीजन तुरंत देकर आइए, जल्दी दीजिए। और ये जीवन ही नहीं रहेगा तो ये सबका क्या फायदा, और हाल इतना बेहाल है, हर घड़ी
देखिए जैसे कि हाल फिलहाल में सभी जानते हैं कि महोत्सव और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फसलों में जो इतना सारा मतलब लैंडस्लाइड हुआ हैवी रेनफॉल के कारण, तो ये सब भी हम लोग एनवायरमेंट को बर्बाद करके इसलिए हो रहा है। ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेशली हाफलॉन्ग एरिया हिली एरिया है, तो यहाँ पे माउंटेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इंसान क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन इसके कारण भी लैंडस्लाइड होता है। हम क्या करते हैं, पहाड़ में पेड़ ये सब काट देते हैं और जो स्लोप होता है उसको हम क्या करते हैं, काट के बिल्डिंग ये सब बना देते हैं। इसके कारण जो वो मिट्टी है सॉइल है वो लूज हो जाता है। मिट्टी लूज होने के कारण जब हैवी रेनफॉल होता है, बारिश होता है, उसके कारण लैंडस्लाइड होते हैं। तो आप सबने देखा ही है लैंडस्लाइड के कारण कितने जाने भी गए हैं इसकी। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये मन में रखना है कि पेड़ पौधे उगाना है नहीं काटना है, और माउंटेन्स को ये सब नहीं काटना है जितना हो सके। सेकेंडली आता है पानी, जो कि वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन से भी हम लोग एनवायरमेंट बर्बाद कर रहे हैं। हमारे हम लोग के शहर में जो भी इतना सुंदर लेक है, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पे गार्बेज, बहुत सारा गार्बेज। कौन फेंकता है? हम इंसान। इसके कारण क्या होता है, पानी में बैक्टीरिया फैलता है, उससे मछली भी बीमार होता है, और वो मछली जब हम लोग खाते हैं हम लोग भी बीमार होते हैं, और वो पानी जब हम पीते हैं तब हमें डेंगू मलेरिया ऐसा बीमार होता है। तो इसलिए प्लीज मेरे से ये मतलब स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी हम लोग वासियों से, पानी में गार्बेज मत फेंकना। हो सके तो जो गार्बेज है वो जो सूखा ड्राई गार्बेज है और वेट गार्बेज ये सब सेपरेट करके डंप कर दे, ना कि पानी में फेंकना। तो आज ये एक्ट के जरिया हम सब ये सोच सकते हैं कि हम सब जितना हो सके पेड़ उगाएंगे, पेड़ नहीं काटेंगे, जितना हो सके प्लास्टिक यूज ऑफ प्लास्टिक हम लोग कम करेंगे, और पानी में हम लोग गार्बेज नहीं फेंकेंगे। तो आज मैं ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में थोड़ा सा टाइम से हमारे साथ, तो ये अगर कोई लेना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारा मिनरल्स क्लब का सेक्रेटरी को कि डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर किसी को लेना है तो प्लीज आगे आइए।